नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज शनिवार यानी 59वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें समाधि स्थल पर शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में भारत के पहले पीएम नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी, उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। हिंद के जवाहर को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। भावागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत सूरत से की है, जहां दरबार का आज दूसरा दिन और आखिरी दिन भी है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम ने कहा कि जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी यहां प्रतिक्रिया दी, जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई है। कहा कि आदिवासी इलाकों में जंगलों में कथा कर रहा हूं, इसलिए साजिश हो रही है। सुरक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि सनातन विरोधी ताकतें भी महसूस की जा रही हैं। अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठना है। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा है। हमसे एक बहुत बड़े के आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कहा, जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब, हम के जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए हैं तब तक खुदता ही रहेगा। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी, सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाँ, तो पक्का जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठंडी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से धरने पर बैठे पहलवानों को अब योग गुरु रामदेव का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को जरूर जेल में डालना चाहिए। रामदेव ने रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर यौन शोषण के आरोप को शर्मनाक बताया है। योग गुरु ने कहा कि वो आए दिन बहन और बेटियों के बारे में फालतू बातें कर रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है, पाप है, ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह पहले कह चुके हैं कि अगर पीएम मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा उन्हें इस्तीफा देने को कहेंगे तो वो तुरंत इस्तीफा देंगे। बृजभूषण शरण ये भी जता चुके हैं कि वो 6 बार के सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, उनका बेटा अभी विधायक है। अगर पीएम मोदी कहे तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच पहलवानों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 21 मई की डेडलाइन दी है, बावजूद इसके उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी थी। ये देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना, और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप।
देश के पहलवान भाई जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मामला इसलिए भी संगीन है कि ये वो पहलवान है जो देश को विश्व स्तर पर पहचान दिला चुके हैं। पहलवानों का कहना है कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवानों के यौन शोषण में लिप्त थे। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप सिद्ध हो गए तो मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, खुद फांसी लटक जाऊंगा। सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर दया करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हूं। अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि फर्जी यौन उत्पीड़न के केसेस के खिलाफ हूं, इन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। 18 जनवरी को पहली बार कुछ बच्चे इस मांग के साथ बैठे थे कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा चाहिए। लेकिन शाम तक जब हम पहुंचे तो वो यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया, जिसको लेकर के दो जांच समिति बनी, एक खेल मंत्रालय की और एक ओलंपिक संघ की। और आप लोगों ने सुना होगा जब हम दिल्ली पहुंचे और मीडिया के लोगों ने सांस लेने का मौका दिया, तैसे हमने पूछा था कब हुआ, कहां हुआ और क्या हुआ। 18 जनवरी को मुरादाबाद की थाना कटघर पुलिस ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर छापेमार कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कादर को गिरफ्तार करके उसके पास से भारी मात्रा में सिम डिस्क और सैकड़ों की संख्या में कई कंपनियों के सिम बरामद किए हैं। एसएसपी हेमराज मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सऊदी अरब से ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का काम सीख कर आया था और अपने बहनोई के साथ मिलकर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था। थाना कटघर से एक कादिर नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि थाना भगतपुर के मानपुर एरिया के रहने वाले हैं और उनके पास से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को चलाया जा रहा था और इनके घर की तलाशी लिया गया तो वहाँ पर 6 गेटवे सिम बॉक्स मिले इनके पास से, 2 लैपटॉप मिले सोनी बायो के, 3 उनके पास लैपटॉप के चार्जर हैं, कुछ इन्वर्टर बैटरीज उनके पास से मिली है, 2 वाईफाई के राउटर इनके पास से मिले हैं, 2 अडैप्टर हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने के जो उनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं। और कई वहीं गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका की नव निर्वाचित चेयरमैन मोहिनी शर्मा और नव निर्वाचित सभासद आज गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि नगर पालिका के अंदर शपथ ली है, जहां पर गाजियाबाद के SDM विनय कुमार ने इन सभी को गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। नव निर्वाचित चेयरमैन मोहिनी शर्मा ने शपथ लेने के बाद कहा कि खोड़ा नगर पालिका में जो भी मुख्य समस्याएं हैं जल्दी उसका निस्तारण धरातल पर किया जाएगा। जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे हों, जैसे कि पहले हमने जल का प्लांट के पानी आएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे और जैसे कि थोड़ा में जो पानी की निकासी नहीं हो रहा है उसके काम पूरे होंगे और जितने भी वादे हैं सब समय के अनुसार। जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे हों, जैसे कि पहले हमने जल का प्लांट के पानी आएगा, हॉस्पिटल बनेंगे। महबूब शहर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आंधी ने हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दोनों वाहनों पर हाईवे पर किनारे लगाकर सुरक्षित स्थान पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि सुबह से ही तेज आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई, लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे लगाकर सुरक्षित स्थान ढूंढते हुए इस दौरान नजर आए।
अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा ने खिरनी बाग स्थित रामलीला मैदान में एक समारोह के दौरान शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण में उन्होंने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर वो खरा उतर कर दिखाएंगी। सुरेश कुमार खन्ना के सानिध्य में विकास की गति और तेज होगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता मंत्री JPS राठौर और PW मंत्री जितिन प्रसाद ने नव निर्वाचित अर्चना वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास की गति शाहजहांपुर में और अधिक तेज होगी। सांसद मिथिलेश कुमार जी, भारत माता के साक्षी बने आशीर्वाद देने आई जनता नगर निगम और हमारी प्यारी बहनें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री वैभव खन्ना जी, श्री सुरेंद्र वर्मा जी, श्री सुनील सैनी जी, श्री अनूप सिंह जी, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज इस गौरव स्थान में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का किस तरीके से धन्यवाद करूँ। एक बदमाश ने ठेला पर दुकान चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मंडली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नंबर? कौन मारा आपको? बोलू और बउआ मिल के मारे साहब और आ रहे झोंक दिए गाड़ी से मार मारे हमको। काहे के लिए? अभी हमने ये मालूम सर, ये तो थोड़ा लड़का सर हमारे मारे ठेला भी फूट गया है, हमारी दुकान भी ले लिया हमसे, वहाँ नहीं जा रहे तो भी भेड़े मार रहे हैं। ना क्या नाम है जो मारे हैं आपको? हमारा नाम गौरी शंकर गुप्ता है। जो मारे हैं आपको? भोलू नाम है और घबराइए मत, रामू नाम है, बउआ नाम है। रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में एक कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानन में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं इस मामले में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के GM अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अभिषेक कुमार यादव 25 ईयर मेल पेशेंट है, रेल कोच से आए हैं, इनको इलेक्ट्रिक करंट से इंजरी हुई है, इनको हम लोग एग्जामिन करके प्राथमिक उपचार यहाँ कर रहे हैं। पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है, इलाज चल रहा है और संभवतः है यहीं से हम घर भेज देंगे, रेफर की स्थिति तो नहीं है पेशेंट। मैलीगढ़ में महापौर प्रशांत सिंगल समेत 90 पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस दौरान प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। वह दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। इसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला बशरामा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का है, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नंद किशोर प्रकाश और 35 वर्ष रुस्तमपुर रुस्तम खेड़ा थाना बशरामा के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में शुक्रवार शाम को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ताजगंज में शहर से सटे चमरौला गांव में रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। शाम के समय फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, इसके बाद कमरों में रखे केमिकल के डब्बों में आग फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री धुएं के गुबार में
तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से बाल बाल लोग बच गए। हालांकि आग किस वजह से लगी है अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। यहाँ पे चमरौली में एक दुकान कचौरी का मकान है, जिसमें यहाँ पे केमिकल का भंडारण था, जिसमें इनका मिक्सिंग के लिए प्लांट लगा हुआ था। अभी फैक्ट्री इनकी चालू नहीं हुई थी। पेंट में इस्तेमाल करने के लिए जो हाईली ज्वलनशील मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए थे, इसमें आग लगी। इसकी सूचना पे इसी गंभीरता को देखते हुए दो गाड़ी तुरंत प्रस्थान की गई और रास्ते में और गाड़ियाँ भी बुला ली गई, जिनको अभी आग बुझने के बाद मैंने रास्ते से वापस किया। और आसपास रिहायशी इलाके में इनके द्वारा इस तरह से भंडारण करके प्लांट चलाया जा रहा था, इसके बारे में अभी जांच की जाएगी। आग बड़ी तेज से विकराल रूप धारण कर ली। आसपास आवासीय मकान हैं जिनको पहली प्रायोरिटी थी कि आग बढ़ने न पाए, आवासीय क्षेत्र में बढ़ने न पाए, जिसको ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से दो लाइन बिछा करके इसको आग को घेर लिया गया, कंट्रोल किया गया और आग को सीमित रखा गया। आवाज़ जहाँ जितनी आग फैल चुकी थी दुकान तक उतने तक रहने पाई, फटे हुए मकानों में नहीं फैल पाई, बड़ी तत्परता की। वहीं मुरादाबाद बिलारी नगर पालिका परिषद के नए नवनिर्वाचित चेयरमैन रघुराज यादव आज शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मुरादाबाद के महमदपुर माफी की कई गांवों को मिलाकर नगर पंचायत घोषित किया गया था। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव किया गया। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बबीता ने बाजी मारी और अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता शपथ समारोह में मौजूद रहे। वहीं नगर अध्यक्ष बबीता सिंह के प्रतिनिधि मंगल सहनी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि पहली बार जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो जनता की हर तरफ की सेवा की जाएगी। चेयरमैन साहब और हम, मेरी मित्रता भी बहुत गहरी थी और हमने भी मेहनत करी और भैया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है नगर पंचायत में विकास कराने के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले ही पहले इन्होंने कम से कम 5-6 करोड़ के विकास कराए। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय हमारे चौधरी साहब हैं, उन्होंने इन्हें इतना काम दिया और क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कराए हैं उसका कोई मोल नहीं है और जनता ने भी इनका एहसान उतार दिया वोट देकर। चेयरमैन साहब और हम, मेरी मित्रता भी बहुत गहरी थी और हमने भी मेहनत करी और भैया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है नगर पंचायत। केर नदी में नाव पलटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मोदहा कोतवाली इलाके की बताई जा रही है। अचानक से केर नदी में लोगों से भरी नाव पलट जाती है, हालांकि आसपास के लोगों ने नाव पर सवार लोगों की जान बचाई। वहीं मिर्जापुर में मानव व्यापार और बाल विवाह के आरोप में दुल्हा समेत 11 लोगों को राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से शादी का सामान, 10,000 रुपए नकद और 2 चार पहिया वाहन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के पिता की तहरीर पर राजगढ़ थाना पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसका खुलासा एसपी संतोष मिश्र ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने बताया कि पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि पैसा लेकर नाबालिग लड़की की शादी हापुड़ के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ की जा रही है। मौके पर पहुंची राजगढ़ पुलिस ने विवाह मंडप से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मिर्जापुर में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा, खासकर जो पश्चिम के है, हरियाणा पंजाब या दिल्ली से आने वाले ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ आकर जो लड़कियाँ हैं उनको पैसे देके यहाँ पे शादी करते हैं। लेकिन इसी में एक मामला आया जहाँ पे कि एक नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराने का प्रकरण आया था संज्ञान में थाना राजगढ़ पर। इसमें हमारे सीओ ऑपरेशन एवं थाना राजगढ़ की टीमों को लगाया गया था। इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग पैसा देकर यहाँ पर जो सोनभद्र की एक लोकल लड़की थी उससे शादी करने आए थे, लेकिन वो लड़की नाबालिग थी। उसके जो पिता है और बाकी जो रिलेटिव है उनके द्वारा यह अलर्ट किया गया कि इस तरीके के
उनकी जो बेटी है उसके साथ में गलत हो रहा है। इस सूचना में पुलिस ने एक्ट किया, ये 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि रहने वाले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा इत्यादि के हैं। इसमें जो अगुआ, जो मध्यस्थता कराने वाली महिला अनिता देवी, जो कि सोनभद्र की रहने वाली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि जब इनकी शादी वहाँ नहीं होती है तो पैसा ले ला के यहाँ पे ये दुल्हन खरीदते हैं, लेकिन इसमें ये नाबालिग के साथ भी ये करने जा रहे थे। इसको समय रहते हुए इस जो बच्ची है इसको रिकवर किया गया है और इनके पास से बरामदगी भी हुई है, पैसे भी मिले हैं, शादी के प्रयुक्त सामान भी मिले हुए हैं। जनपद में रायबरेली में बिजली गिरने से विवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसकी दिव्यांग बहन गंभीर तौर पर झुलस गई। दिव्यांग को प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया है। मामला सलोन थाना इलाके के फैजूलाल के पुरवा का बताया जा रहा है। यहां के रहने वाले जय सिंह की बेटी आरती की शादी प्रतापगढ़ में हुई थी। कुछ दिन पहले ही वो मायके आई थी, इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गई।